हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मूंगफली के दाने की कतली। तो मूंगफली कतली बनाने के लिए मैंने ये लिए हैं मूंगफली के दाने। इनको हम रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई में डाल के, और इनको पहले हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। ये मैंने मूंगफली के दाने रोस्ट कर लिए हैं। इनमें मैंने घी, वनस्पति तेल किसी का भी प्रयोग नहीं करना है। इसको सिर्फ ऐसे ही दानों को हम रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद इनको ठंडा करके इनके छिलके उतार लेंगे। ये मूंगफली के दाने रोस्ट हो गए हैं। मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इनको ठंडा करने के बाद इनके छिलके निकाल लेंगे। ये मैंने मूँगफली के छिलके उतार लिए हैं। अब इनको मिक्सी के जार में डाल के हम पीस लेंगे। और इधर मैंने रख दी है चाशनी बनने के लिए, रख दी। एक कप चीनी मैंने इसमें डाल दी है। एक कप चीनी और डालेंगे। दो कप चीनी लेंगे और एक कप पानी डालेंगे। मैंने इसमें दो कप चीनी डाल रखी है और एक कप पानी डालेंगे। इसकी चाशनी बना लेंगे। और ये दाने मिक्सी के जार में डाल के हम पीस लेंगे इनको। आप देख सकते हैं, ये मैंने मूंगफली के दानों को पीस लिया है। ये हल्के गीले गीले से हो गए हैं, क्योंकि मूंगफली में ऑयल ऑलरेडी होता है, तो इसमें से ऑयल रिलीज हुआ है दाने में से। तो ये इस तरीके का पेस्ट सा बन गया है। अब हम चाशनी बना लेंगे, उसके बाद इसको उसमें मेल्ट करेंगे। आप देख सकते हैं, चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी ये तीन तार वाली चाशनी है। इसको हम इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए मैंने लिया है ये प्लेट में पानी, और इसमें हम थोड़ा सा चाशनी डालेंगे। आप देख सकते हैं, ये चाशनी इसमें मिक्स नहीं हुई है। आप इसको इकट्ठा करेंगे तो ये इकट्ठी हो रही है, जमने के लिए तैयार है। इस तरीके से हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। चलिए, अब हम इसको मिक्स करते हैं मूँगफली को इसमें। इसके फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें ये जो मूंगफली को मैंने पीस के रखा हुआ है, इसको हम इसमें मिला देंगे। सारा बैटर इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जमाने के लिए मैंने एक थाली को ग्रीस करके रखा है। इसको इसमें मिक्स कर देंगे ये अच्छे से, और आसानी से मिक्स हो जाती है। इसमें मिक्स करते जाएंगे इसको। आप किसी मोल्ड में भी जमा सकते हैं, जो बर्फ़ी मोल्ड आते हैं आप उसमें भी जमा सकते हैं इसको। मैंने यहाँ एक थाली ली है और थाली को ग्रीस करके रखा हुआ है। ये मिक्स हो गई है। अब हम ये सारा बैटर लेंगे और इसमें डाल देंगे कढ़ाई से निकाल करके। हम फटाफट से ही सारा बैटर इसमें थाली पर डाल के और फैला देंगे अच्छे से। और ये हमारी मूंगफली कतली तैयार है। आप चाहे तो इस पे हल्का सा घी लगा सकते हैं इसको एक सार करने के लिए। अब इसको एक या डेढ़ घंटे के लिए छोड़ देंगे किचन प्लेटफॉर्म पे, और ये जमकर तैयार हो जाएगी। ये हाथ पे नहीं चिपक रही है, आप देख सकते हैं। हम इसको टच कर रहे हैं। अब इसके हम पीस निकाल लेंगे। मूंगफली कतली का वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम इसके सारे पीस निकाल लेंगे।
और हम इसके सारे पीस निकाल लेंगे। ये मूंगफली कतली है, आप देख सकते हैं, इसको आप तोड़ के भी देख सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट है। इस तरीके से ये सारे पीस इसके निकाल के हम अलग कर लेंगे। ये इसके मैंने इतने पीस निकाल लिए हैं, इसी तरह से हम इसके ये सारे पीस निकाल लेंगे।